छोटा सा ब्लॉग आज मैं मतलब बहुत ही खास बना रही अपनी फ्रेंड के लिए। मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है और वो मेरा ब्लॉग डेली देखती है, तो बस इसीलिए, और उनकी मतलब कहीं थी कि दी आप मेरे मुझे जरूर कल विश करना, तो बस इसलिए। तो आज देखिए है 18 जनवरी 2024। तो आज है मतलब मेरी एक फ्रेंड है रितिका सिंह, तो आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो उन्हें शादी की ढेर सारी मतलब शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी एनिवर्सरी सिस्टर। तो आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आए, आप हमेशा खुश हो, हमेशा मस्त रहो। और उनके हस्बैंड का नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जो उनके हस्बैंड का नाम है ना, तो और सिस्टर सॉरी कि मैं आपके हस्बैंड का नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जो आपके हस्बैंड का नाम है तो मेरे बड़े वाले जेठ का नाम है, तो जिसके मैं नाम हमारे है ना, जैसे बड़े जो जेठ जी होते हैं उनका नाम नहीं लेते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी। लेकिन हाँ, उन्हें भी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, भगवान आप लोग की सारी मनोकामना पूरी करे। और ब्लॉग तो मैं अपना बना चुकी थी, लेकिन मैं अभी एक घंटा पहले उनका मैसेज देखी, तो मुझे लगा कि ये वाला ब्लॉग मेरा कल जाएगा, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा फिर बोल के थोड़ी सी मेहनत मुझे पड़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने इतना प्यार दिया है, इसलिए मैं भी आपके लिए थोड़ा सा अगर कुछ कर सक रही हूँ। तो चलिए एक बार आप लोग को फिर से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें और हमेशा तरक्की आपके कदम चूमें, और भगवान आप लोग की जोड़ी हमेशा सही सलामत और हमेशा बनाए रखे, बस यही मेरी दुआ है। और कल व्रत रहूंगी विष्णु भगवान जी का, तो उनसे भी मैं मनोकामना, क्योंकि कल 18 तारीख होगी, ये तो ब्लॉग मेरा कल जाएगा, तो इसलिए मैं बना रही, लेकिन कल भी मैं आप लोग की जोड़ी के लिए भगवान जी से जरूर प्रार्थना करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बाकी का आप लोग आगे का ब्लॉग देखिए, बस थोड़ा सा था। और फिर से एक बार सिस्टर आपको रितिका जी और भैया जी को एक बार फिर से शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह सारा किचन उचन साफ करने के बाद ना, फिर मैं आ गई थी अपने कमरा में, और ये जो मेरा बेड है ना, तो इसका चादर मैं कल भी नहीं मतलब झटकी थी, वो मेरी आदत है ना कि मैं जब तक चादर पूरा उतार के नहीं झटकती तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा कल खिचड़ी भी थी, मकर संक्रांति भी था ना, तो ये भी घर पर थे, तो कल ये भी सोए रह गए थे करीब, और फिर बच्चे भी सोए, तो फिर उनको सबको मैं नहीं उठाई थी। तो सुबह जब झाड़ू पोछा हो गया तो उसके बाद दिन भर सबका बिस्तर में ही बीत गया था ना, तो फिर कल चादर में उतार के ऊपर से तो झटक दी थी, लेकिन ना क्या था, चादर उतार के नहीं झटकी। तो मैं अभी प्रिंसी यहाँ पर सोई थी, भोर में प्रिंसी मेरे पास आ गई थी, जब ये चले जाते हैं दुकान पर ना, तो भोर में प्रिंसी मेरे पास आ गई थी, तो फिर वो सोई थी, मैं कही प्रिंसी जाओ तुम आगे वाले कमरा में चली जाओ, मैं बिस्तर अच्छे से झटक दूँ। तो बस देखिए प्रिंसी चली गई थी आगे वाले कमरा में, और बिस्तर झटकने में फिर देखिए मैं अब लगा ले रही हूँ सब जगह की झाड़ू। और सच में ना दोस्तों, यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ठंड, करीब आज 3 से, खैर धूप तो यहाँ आज करीब मेरे ख्याल से धूप धीरे धीरे 20-25 दिन होने चले हैं, कायदे से धूप नहीं निकल रही है, क्योंकि जब मैं अपने मायके भी थी ना, तो उस समय भी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, करीब वहाँ पे भी मायके में भी कम से कम 5-6 दिन तो एकदम ही धूप नहीं निकली थी, और उसके बाद भी जैसे हल्का फुल्का दिखाई देती थी धूप, करीब जैसे कभी 2 बजे कभी 3 बजे, और इस समय फिर से वही है, बीच में 1-2 दिन धूप सही से निकली थी, लेकिन फिर अब वही हाल हो गया, आज 2-3 दिन हो गए हैं धूप निकलने का तो जैसे नाम ही नहीं ले रही। दिन में भी एक तरफ से 12-1 बजे तक कोहरा हल्का सा छटेगा नहीं, फिर 2 बजे से फिर कोहरा एकदम से घेरने लगता है, और यहाँ पे मेरा जो आंगन है ना, तो रात में इतना तेज़ अंदर कोहरा आता है कि पूछो मत, जैसे पूरा सफ़ेद सफ़ेद पूरा धुआं के जैसे अंदर आते रहता है। तो उसके बाद फिर देखिए सब जगह की झाड़ू उड़ू फिर मैं लगा ली थी, और उसके बाद अब देखिए मैं बाहर हुई देख रही थी बार बार झाँक के ना कि कोहरा कम हुआ है कि नहीं, लालच लग रही है ना कि अब धूप निकल आए, सच में अब धूप की बहुत ज़्यादा लालच लग रही है। तो बस मैं देखिए ऐसे पोछा रगड़ देती, क्योंकि मैं पूरा गीला पोछा करके नहीं लगाती हूँ, ये पोछा को मैं जब झाड़ू उड़ू लगाने चलती ना, तो तभी निचोड़ के अच्छे से रख देती हूँ, उसका पूरा पानी जब सूख निकल जाता है ना, तो फिर काफ़ी अच्छे से और घर ना इससे एकदम साफ भी हो जाता है, और मेरा ये पोछा ख़राब भी हो गया है, अब सोच रही है धूप ऊप निकलने लगे ना, फिर मैं अपना पोछा बनाऊँ। तो चलिए मैं भी आप लोग को बाहर का दिखाती हूँ कि क्या हाल है हम लोग के यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ना बाहर मम्मी लगा रही हैं झाड़ू, बारचा जो होता है ना, तो उस पर देखिए झाड़ू लगा रही हैं, और देखिए कितना बेकार मौसम हम लोग के यहाँ हुआ है,
एकदम इतनी ज़्यादा गलन है ना कि हाथ वो जैसे एकदम ठंडा हो जाता है। देखिए सामने आप लोग को दिखाई देता होगा कि एकदम कोहरा घेरा, जो कि अभी करीब 9:30 होने चले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा घेरा हुआ है ना, तो ये देखिए आप लोग को पूरा दिखाई देता होगा। अभी मैं छत पे जब जाऊँगी ना तब आप लोग को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही थी झाड़ू, और मेरे यहाँ ना देखो द्वार बिल्कुल भी नहीं है, सामने से हमारे यहाँ रोड चली गई है ना, तो जिस वजह से मेरे यहाँ पे द्वार बिल्कुल, बल्कि पुराने घर तो थोड़ा बहुत है भी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं लगा ले रही हूँ सब जगह का पोछा। और दोस्तों ना इस तरह में करीब आज 5-6 दिन से लाइट बहुत परेशान करी, लाइट भी ना हम लोग के साथ लुका छुपी खेल रही है, क्योंकि ना वो एक मिनट भी नहीं टिकती है लाइट। कल इसी चक्कर में मैं थोड़े कपड़ा धुली थी, पूरा कपड़ा नहीं धुली थी, और उसके बाद फिर बाकी का कपड़ा देखिए तो आज भी मैं चादर नहीं धुलूँगी, जितना जैसे पहनने वहनने वाला कपड़ा ना तो सारा वही धुलूँगी, और चादर आज नहीं धुलूँगी, क्योंकि मौसम देखिए सही है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ना इतना बड़ा बड़ा चादर उधर मैं कहाँ फैलाऊँगी, और छोटे कपड़ा है तो मैं आंगन उंगन में सब जगह फैला देती हूँ, लेकिन बड़े बड़े कपड़ा ना फिर अच्छा भी नहीं लगता पूरे आंगन में। वैसे भी कपड़ा कम नहीं है ये वाला, ये देखिए इस तरह से कपड़ा है। और उसके बाद फिर देखिए मैं इसमें ना जो वॉशिंग मशीन है तो उसमें मैं ताज़ा पानी डालूँ कहीं थोड़ा एकदम ताज़ा पानी डाल दूँगी, और फिर थोड़ा सा बस आधा एक बाल्टी करीब ना गर्म पानी डाल दूँगी तो कपड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता, क्योंकि ना टंकी का पानी एकदम इस समय फ्रीज फेल है, इतना टंकी का पानी ठंडा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन मैं क्या करूँ ना, मुझे बर्तन धोना पाइप के नीचे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती जब तक वैसे बर्तन धुलूँगी और पाइप के नीचे धुलूँगी तो जल्दी से हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसके पानी से बस बर्तन भर धुलती, बाकी मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन में पानी डाल दी थी, और बस थोड़ा सा गर्म पानी डाल दी थी, और यही वाला गर्म पानी ना एक बाल्टी लेती आई थी, कहीं जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ना मुझे धोना है बाल ना, तो मैं परसों संडे था, संडे को भी नहीं धोई थी और ना कल भी नहीं धुली थी, और आज थोड़ा लाइट अभी इस समय मतलब सुबह थी थोड़ी सी, तो मैं एक दो बाल्टी और गर्म करके पानी बाथरूम में रख दी हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं सारा कपड़ा इसमें लगा के, और उसके बाद फिर चलूँगी बर्तन धुलूँगी, क्योंकि अभी मैं बर्तन नहीं धुली हूँ, इतना काम सुबह का हो जाता है ना। और अभी आज शिवांश का प्रैक्टिकल है, तो शिवांश को भी निकलना है स्कूल के लिए, उसकी स्कूल है करीब 10 बजे से, तो यहाँ पर मैं सोची ना उसको थोड़ा सा पूड़ी छान दूँ, क्योंकि जो कल रात को आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी तो बच गई थी एक कटोरी करीब, तो कहा कि मम्मी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, उसी के साथ हमें 2 पूड़ी बना दो, तो वही खा के वो चला जाएगा। तो यहाँ पे बस देखिए मैं शिवांश को नाश्ता बना दे रही थी, और इसी समय ना प्रिंसी को भी 2-3 बना के रख दूँगी, क्योंकि ना मैं अभी चल रही काम वम करूँगी, और पहले प्रिंसी से कह रही थी मैं कि जाओ तुम कपड़ा बदल के भगवान जी का पूजा करो, क्योंकि अभी मुझे समय लगेगा, अभी बर्तन नहीं धुली हूँ, झाड़ू पोछा तो सब हो गया लेकिन अभी बर्तन नहीं धुली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा भी ख़त्म होने चला था ना, तो मैं सोची अब टंकी अच्छे से घस के और फिर अब आटा भरूँ, क्योंकि अब इतने दिन तो चाहे जैसे कर रही थी, लेकिन अब जब लड्डू गोपाल जी को रखूँगी तो उन्हें भी खाना पीना बनाऊँगी, तो मैं एक बार टंकी अच्छे से घस के उसके बाद फिर इसे साफ़ करके तब इसमें अब आटा भरूंगी ना, तो फिर सही रहेगा। और अब ध्यान भी देना पड़ेगा हर एक चीज़ का। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से घस के रख दी थी, और जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें आटा रखूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए तब तक ये कपड़ा भी एक बार का हो चुका था, और एक हो गया 2-3 दिन ना, कोई किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम तो उतना नहीं याद है, कि क्या आपके यहाँ बाथरूम नहीं बना है क्या। तो मेरे यहाँ देखिए बाथरूम तो बना है, लेकिन जब वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखा है ना, तो फिर मेरा सारा काम जब यहाँ हो जाता तो मुझे बस बाथरूम में हम लोग नहाते भर हैं, और बाथरूम भी देखिए मेरा है बड़ा, मैं ये नहीं कर रही कि छोटा, लेकिन हाँ वॉशिंग मशीन वहाँ पे नहीं आ सकेगी, और जब वॉशिंग मशीन किसी ढंग से रख तो दूंगी वॉशिंग मशीन, फिर बाथरूम में क्या हो जाएगा ना कि अरे प्लग भी नहीं लगा है बाथरूम में, ये जो एक जिससे मैं पानी गर्म करती हूँ तो दूसरा वाला प्लग लगा है, जो थोड़ा हाई वोल्टेज का प्लग होता है ना, तो वो वाला लगा है, उसमें बस पानी उनी गर्म करने वाला लगा है। तो और यहाँ पे सुविधा भी मेरे वॉशिंग मशीन एकदम सही जगह पे भी रखाई थी, तो जिस वजह से देखिए मैं बाथरूम में कपड़ा नहीं धुलती, पहले था जब हाथ से धुलती थी ना तो मैं बाथरूम में ही धुल के उसी समय नहा के और कपड़ा धुल के निकलती थी, लेकिन जब से मशीन हो गया ना तो मैंने यहाँ ही कपड़ा धुल लेती हूँ। और ये देखिए इससे करीब 11 बज रहा है या 11:30 होता होगा, तो यहाँ पर आप लोग मौसम देखिए क्या हाल है मौसम का, एकदम इतना तेज कोहरा है ना कि ये पता नहीं आप लोग को मोबाइल में सही से पता चलता होगा कि नहीं, लेकिन ना कोहरा बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना है ना कि समझ लीजिए जो सामने सब खेत होते बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इस समय बहुत ठंडी, इतनी ठंडी है ना कि जैसे एकदम ठंड के मारे एकदम हाथ पर कटा जा रहा, मेरा इतना कपड़ा हो गया तो मैं सोचती छत पर डाल दूँ,
चलिए जा रही हूँ मैं नीचे, अभी चाय रख के आई हूँ। अभी तो बस थोड़े कपड़ा था, बाकी भी कपड़ा नीचे ही है। और ये देखिए आप लोग को दिखा रही है, देखिए इस समय करीब 11 बज रहा होगा, 11 बज रहा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 8-9 बज रहे हैं। चलिए मैं भी चलूँ नीचे। और देखिए कपड़ा उपड़ा डाल के फिर से मैं आ गई थी नीचे, हमें चाय अब रख के तब गई थी छत पे। मैं कही जब तक मैं कपड़ा फैलाऊँगी ना तब तक मेरी चाय अच्छे से पक जाएगी, तो यहाँ पे मैं चल रही पीऊँगी चाय। और सच में ना दोस्तों ठंड के मारे ना आप लोग सोचते होंगे बार बार ठंड ठंड ना, लेकिन सच में ना इस समय इस साल की ठंड 2001 की याद दिला दे रही। ऐसी 2001 में ठंड पड़ी थी, और ऐसी अब जान लीजिए आप लोग कि आज कितना दिन हो गया है धूप निकले एकदम अच्छे से, कि हम लोग को अब लालच लग रहा है ना कि धूप निकल आए। करीब एक एक डेढ़ घंटा के लिए निकल आए, लेकिन अब धूप निकल आए। सच में ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाई थी आलू गोभी की भुजिया और रोटी सेक दे रही थी, और कल की खिचड़ी थी। मम्मी कही ना कि बासी खिचड़ी खाना चाहिए, तो इसीलिए बस मैं थोड़ा सा बढ़ के बना दी थी कि मम्मी कहीं बासी खिचड़ी मतलब खिचड़ी पे खाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देखते होंगे ना कि लाइट इसी तरह से सच में ना एकदम पागल बना दे रही थी, आवाजाही हमेशा लाइट लगाए रहती है। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा फिर से ये हो गया था, तो अब इससे ज़्यादा कपड़ा अब नहीं धुलूँ क्योंकि इतना ही कपड़ा ना पूरा छत पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बाल धुली थी ना, तो मुझे जैसे करंट टाइप का लग रहा था, इतना मतलब ठंडा सर हो गया था एकदम, जैसे सर ये हो रहा था कि जैसे कोई बर्फ़ की सिल्ली रख दिया हो सर पे, इस तरह से मेरा सर हो गया था। तो ये मम्मी चिल्ला रही थी कि इतना मतलब बाल धोई हो ऐसे छत पर मत जाना। तो उसके बाद फिर देखिए ना मुझे जाना था, बगल में बताई थी ना आप सबसे कि जिसके जिनके यहाँ डिलीवरी हुई है तो उनके यहाँ घर आंगन करने जाना था, तो बस वहाँ पे मैं चली गई थी। तो फिर वहाँ से देखिए मैं आई थी करीब 4:30 बजे के करीब, तो बस आते मान मैं सबसे पहले चली आई थी छत पे, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि जाओ सारा कपड़ा उतार लें। तो फिर ओस तो खैर आज दिन भर कोहरा था, मैं इसलिए डाल दी थी कपड़ा ना कि मैं सोची शायद हवा हवा से कपड़ा सूख जाएगा, लेकिन कपड़ा मेरा बिल्कुल भी नहीं सूखा था, बस साड़ी सूख गई थी। और जितना एक कपड़ा है ना तो इसे मैं चलूँगी आंगन में ही फैला दूँगी। तो बस मैं घर में आने पे ना वहाँ से तो सबसे पहले मैं छत पे से ही कपड़ा ले आई थी, और उसके बाद फिर देखिए मैं लग गई थी खाना बनाने में। मैं सोची ना कि खाना बना के हटा देती हूँ, क्योंकि ना सच में दोस्तों ये होता है ना कि बस बिस्तर में ही बैठे रहो, बिस्तर में से निकलो मत, और बिस्तर उस्तर ऐसा गलता है ना कि जैसे बर्फ एकदम। तो खाना में भी ज़्यादा कुछ नहीं बना, बस पालक दाल बनी थी और पत्ता गोभी की भुजिया बना रही थी और चावल रोटी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी कल मतलब उस दिन चाउमीन के लिए काटी थी ना, तो ज़्यादा था तो मैं से इसी रख दी थी, और बाकी का जो आधा पत्ता गोभी था तो उसे भी ले ली थी, और इसे की मैं बना दे रही थी भुजिया। और पत्ता गोभी की भुजिया भी ना मेरे बच्चे लोग सब पसंद करते हैं, तो बस यही बन रहा था। और दोस्तों आप लोग भी बताना कि आके आप लोग के यहाँ पे भी इतनी ठंड पड़ रही है जितनी मेरे यहाँ पे ठंड पड़ रही है, मेरे यहाँ तो सच में ना हद से ज़्यादा ठंड है। तो उसके बाद फिर देखिए ये सब कर दी थी, और तब तक ये भी आ गए थे, इनसे मैं कही थी कि आप जल्दी चले आना क्योंकि ना ठंड, एक तो इस समय ना आप लोग भी सुनते होंगे न्यूज व्यूज में देखते होंगे ना कि ठंड की वजह से बहुत लोग की तबीयत ख़राब हो रही है, इतनी ज़्यादा शीत, तो कोई कोई तो ऐसा हो रहा ना कि अचानक से अटैक आ जा रहा है। खैर मैं बोलूँगी नहीं ये सब, लेकिन ना सच में ठंड की वजह से इस समय बहुत सब बेहाल हुए हैं। और यही हाल ना 2001 में था, 2001 का भी सीन मुझे याद है, उस साल भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए दाल में तड़का लगाने के लिए ना मैं लहसुन काट ले रही थी, लहसुन और हरी मिर्च और हींग और पंचफोरन, बस इसी चीज़ का तड़का लगता है पालक दाल में। और यहाँ पे अपनी साथ ही साथ में भुजिया भी बनाई जा रही थी, और उसके बाद फिर चलूँगी इसमें लगा दूँगी दाल में तड़का। तो यहाँ पे देखिए जो चावल था ना उसमें भी मेरी सीटी आ गई थी, और अब चलिए फट से लगा दूँगी दाल में तड़का। उसके बाद दूध अभी ऐसे ही आंगन में रखा है, तो फिर जाऊँगी दूध ले आऊँगी और उसे उबालूँगी। और दोस्तों आप लोग भी दुआ करो कि हमारे यहाँ पे धूप निकल आए, नहीं तो सच में ना हम लोग का क्या हाल होएगा भगवान ही जाने, भगवान क्या जाने। सच में हम लोग जा रहे हैं ना कि अगर इसी तरह से रहा ना तो एक दिन सब लोग बिस्तर पकड़ लेंगे।
तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दूध लेते आए थे, तो अब मैं चल रही दूध रख दूंगी उबलने के लिए। और दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक है, क्योंकि ना शिवांश को मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए, तो इसके आगे मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड।